जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत फौजी सुंगरपुरिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम। दोस्तों आज भर्ती के बारे में बात करते हैं। ये जो भर्ती है रिलेशन की भर्ती है और ये भर्ती करेगा मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर। ये भर्ती जो शुरू हो रही है ये यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती है और ये 2 अगस्त 2021 को शुरू होगी ये भर्ती कल से। दोस्तों इसके लिए इसमें सभी कैंडिडेट्स के लिए हिदायतें दी गई हैं जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा पीडीएफ का, इसको डाउनलोड कर देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं। वो सभी सर्टिफिकेट लेकर जाएं भर्ती में जाने से पहले मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। जिस भाई भी हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपको हर प्रकार की भर्ती की स्टिक जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अब बात करते हैं भर्ती के बारे में। तो इसमें बताया गया कि सबसे ऊपर हिदायत में सभी कैंडिडेट जो हैं कोविड 19 फ्री एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाना है और एक नो रिस्क सर्टिफिकेट ये साथ लेकर जाएं और ये 48 आवर्स पीरियड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। भर्ती के दिन रिपोर्टिंग करना है। तो जो भी भाई हैं कैंडिडेट हैं भर्ती में जा रहे हैं ये दोनों सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाएं। जिसको समझ में नहीं आया हमारा थंबनेल पे नंबर है डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं, हम बता देंगे आपको डिटेल से जानकारी। अब बात करते हैं भर्ती के बारे में। तो ये भर्ती आपको बता दिया यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती है, यूएचक्यू रैली बोलते हैं इसको, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की। ये 2 अगस्त 2021 से शुरू होगी। इसके अंदर सोल्जर जीडी और सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर जीडी स्पोर्ट्समैन, सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास और सोल्जर ट्रेडमैन 8th पास और सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास म्यूजिशियन, तो इन ट्रेड की भर्ती होगी यहाँ पर। अब बात करते हैं सबसे पहले सोल्जर जीडी और सोल्जर टेक्निकल के लिए। इसके अंदर ये ऑल इंडिया ऑल कास्ट की भर्ती है, लेकिन जो भी भाई एमईजी ग्रुप के हैं जो सर्विसमैन हैं या सर्विसमैन हैं उनके बच्चों के लिए है। दूसरा उसके अलावा जो भी ऑल कास्ट साउथ जोन की जितनी भी कास्ट हैं जिसके अंदर आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा और जो यूनियन टेरिटरीज हैं पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जो किसी भी कोर या ग्रुप या रेजिमेंट सेंटर के रिलेशन के बच्चे हैं तो वो इसमें भर्ती देख सकते हैं। यहाँ पर ये दो ही कैटेगरी की भर्ती है, एक तो एमईजी पर्सन के लिए वो चाहे सर्विस में हों चाहे वो एक्स सर्विसमैन हों उनके बच्चे हों, दूसरा साउथ जोन के जो हैं इन स्टेटों के आपको बता दिया है रिलेशन के बच्चे हों उनके लिए। तीसरी जो कैटेगरी है वो सोल्जर जीडी स्पोर्ट्समैन की है। इसके अंदर क्या है कि कोई भी बंदा भर्ती देख सकता है किसी भी स्टेट का, ऑल इंडिया ऑल कास्ट का, बस उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना नहीं हो। इसमें ये तो अच्छी बात है स्पोर्ट्समैन के लिए, नहीं तो 2 साल करते हैं हर सेंटर, इन्होंने 3 साल किया हुआ है एमईजी सेंटर ने और यहाँ पर दे रखा है सर्टिफिकेट का लेवल भी। वो क्या है कि ऑल स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी कोई सर्टिफिकेट चलेगा इसके अंदर, यूनिवर्सिटी लेवल का, ठीक है, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, जो भी सर्टिफिकेट हैं ऑल इंडिया ऑल कास्ट की भर्ती है, कोई भी बंदा जा सकता, ओपन कैटेगरी है स्पोर्ट्समैन में। इनकी 26 जुलाई को ट्रायल हुई हैं। जो बच्चे ट्रायल में फिट हो गए हैं स्पोर्ट्समैन में वही बच्चे अभी सोल्जर जीडी के साथ रनिंग करेंगे। 2 तारीख से दौड़ शुरू हो रही है। ये दौड़ जो इसका प्रोग्राम आगे बताऊँगा कैसे है किस प्रकार से होगी। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास की। इसके अंदर जो है ये ऑल इंडिया ऑल कास्ट है लेकिन ये है सिर्फ एमईजी वार्ड्स के लिए ही है। ये भी यहाँ पर भी एमईजी वाले बच्चे ही भर्ती देख सकते हैं ट्रेडमैन में और जो ट्रेडमैन 8th पास है उसके अंदर भी, ट्रेडमैन जो 8th पास है उसके अंदर हाउसकीपर और मैस कीपर की वैकेंसियाँ हैं और जो सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास म्यूजिशियन है ये ओपन कैटेगरी है ऑल इंडिया ऑल कास्ट। इसमें कोई भी म्यूजिशियन बजाना जानता हो गाना जानता हो वो किसी भी स्टेट से संबंधित हो या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश से हो भारत के वो जा सकता है यहाँ पर भर्ती देखने म्यूजिशियन की, ये ओपन कैटेगरी है। उसके अलावा दोस्तों जो भी बच्चे जो वार विडो के हैं या विडो ऑफ सर्विसमैन है या एक्स सर्विसमैन है, सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है, ब्रदर हैं सर्विस के या एक्स सर्विसमैन के भाई, कोई भी वो यहाँ पर भर्ती में जा सकते हैं। लेकिन वो आपको बता ही दिया ऊपर दो ही कैटेगरी के जा सकते हैं।
उसके अलावा दोस्तों जो गेम के बच्चे हैं उनकी ट्रायल आपको बता दी, वो 26 जुलाई से शुरू हुई थी। जो भी लड़के फिट हो गए उन्हीं का आगे स्क्रीनिंग होगा। आगे बताया गया है जो DSC और TA के रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं, जिनके फादर या ब्रदर DSC में नौकरी कर रहे हैं या TA में, तो उनका जो रिलेशनशिप है वो बताया गया है कि पेरेंट्स जो भी हैं रिकॉर्ड से चलेगा, रिकॉर्ड से होना चाहिए, यूनिट वाला नहीं चलेगा। जो रिलेशन सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं वो रिकॉर्ड द्वारा बनाया होना चाहिए। कईयों के पिताजी हैं फौज से रिटायर होकर DSC ज्वाइन कर लेते हैं और DSC का रिलेशन बनवा देते हैं, तो अगर DSC का रिलेशन बनवाएंगे तो उसको प्रोटी 5 मिलेगी। अगर वो अपने पेरेंट्स रिकॉर्ड से बनवा के दें तो प्रोटी 3 में आ जाएंगे, ये बताया गया इसके अंदर। उसके अलावा बताया गया कि जो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो कोई भी बनवा सकता है जिसका भाई या फादर सर्विसमैन है या सर्विसमैन है। वो 2014 रूल के मुताबिक डायरेक्शन आई हुई है। इसके अंदर क्या है, ज्वाइंट्स फोटोग्राफ कंबाइंड फोटोग्राफ्स लगाना ज़रूरी है, आजकल ऐसा है, और जिस अफसर ने उस पर साइन किए हैं उस अफसर की पूरी डिटेल उस पर, नाम, नंबर, रैंक, यूनिट सब कुछ लिखा होना चाहिए इस प्रकार से, और जो उसके अंदर वाटरमार्क रहता है वही वाला रिलेशन सर्टिफिकेट चलेगा। और मार्कशीट और रिलेशन सर्टिफिकेट में 1 साल से ज़्यादा का डिफरेंट एज ऑफ में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी बच्चे भर्ती में जा रहे हैं जिनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो डिस्चार्ज बुक लेकर जा रहे हैं तो उनको क्या बताया गया कि वो फिजिकल कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने के बाद एडमिट कार्ड तभी दिया जाएगा जब वो रिलेशन सर्टिफिकेट जमा करा देंगे, और वो भी वेरिफिकेशन होगी उसकी पूरी। तो इस प्रकार से डिस्चार्ज बुक वाले बच्चे भी भर्ती में जा सकते हैं जिनके पास रिलेशन नहीं है। उसके अलावा दोस्तों ये बताया गया कि जितने भी BSF, नेवी, एयरफोर्स, ग्रीफ, MES, इनके अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं और सिविलियन एम्प्लॉयज़ होते हैं हर सेंटर के अंदर, तो इनके जो रिलेशन है वो नहीं चलेंगे। किसी का भाई हो, फादर हो, तो उनका रिलेशन नहीं चलेगा। इसमें सिर्फ रिलेशन किसका चलेगा, जो कि MEG ग्रुप के हैं, और जो भी जिसका भाई सर्विस में है या सर्विसमैन है, ठीक है, और जिनके फादर DSC में लगे हुए हैं या TA में लगे हुए हैं आर्मी से रिटायर होकर, उन्हीं के रिलेशन चलेंगे ओनली। तो इस प्रकार से जो भी भाई जा रहे हैं उनके लिए सख्त हिदायत दी गई हैं कि वो डायरेक्ट जो है ट्रेनिंग बटालियन 3rd MS जो नागर गेट है MES का, MEG सेंटर बेंगलोर का, वहाँ पर 2 अगस्त को सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग 0430 आवर्स पर रिपोर्ट करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपके एक बार देखे जाएंगे और आपको रनिंग करवा दी जाएगी। इस प्रकार से जो भी कैंडिडेट भाई हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। और आगे बताया गया कि जो कैंडिडेट को बाई चांस कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, चोट लग जाती, इंजरी हो जाता या कोई भी घाव हो जाता, कुछ भी इस प्रकार के किसी भी, उसके लिए कोई भी जो MEG का वो जवाबदार नहीं होगा। जो इंडिविजुअल कैंडिडेट हैं वो सेल्फ जवाबदार होंगे इसके चीज़ के लिए, इसलिए नो रिस्क सर्टिफिकेट ले रहे हैं। उसके बाद आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह, कोई भी भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। आप भर्ती में जा रहे हैं उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। आप उसके बाद जो भी भाई अपने हैं ये सबको बता दिया गया है भर्ती के बारे में, ये अपने जितनी भी यूनिट बटालियन हेडक्वार्टर जो भी हैं MEG के हैं, और जो लेटर जिला सैनिक बोर्ड सभी को सर्कुलेट कर दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को भर्ती में भेजो, वहाँ पर भर्ती है। और जो COVID-19 जो प्रोटोकॉल्स के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं दोस्तों, इसके अंदर इनको स्ट्रिक्टली फॉलोड करना आपको। एक तो ऑल कैंडिडेट्स वियर मास्क एंड ग्लव्स, सभी को मास्क और ग्लव्स पहनने हैं। उसके अलावा सबको अपना हैंड सैनिटाइज़र वगैरह लेकर जाना है, सभी कैंडिडेट्स को कैरी विद द ओन रिस्पेक्टिव वाटर बोतल, और अपना पानी पीने के लिए जो भी, और पर्सनल किट्स वगैरह, कच्चे बनियान, दौड़ने के लिए जूते अपना खुद लेकर जाने, ये सभी चीज़ें COVID-19 को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से चेंज नहीं करना। उसके अलावा जितने भी हैं सभी फ्रॉड के लिए पहले से हिदायत दे दी गई है, अपने कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को भी ना हैंड ओवर करें। उसके अलावा कोई भी टैटू वगैरह ना बनवा कर जाएं, भर्ती में परमानेंटली टैटू बैन है, आपको पता है टैटू के रूल रेगुलेशन पढ़ लेना। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट जा रहे हैं जो भी भर्ती में भाग ले रहे हैं वो कोई भी किसी प्रकार का मादक पदार्थ वगैरह ना लें, ड्रग्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो भी मिस हैपनिंग होगी उसके आप खुद जवाबदार हैं।
और इस प्रकार से जो आपका शेड्यूल बताया गया है भर्ती का जो 2 अगस्त से शुरू हो रही है, वो सुबह क्या कार्रवाई होगी। सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है सुबह 4:30 बजे 2 तारीख को, 2 अगस्त को। उसके बाद सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक में सिर्फ रिलेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होंगे, और ये जो टेस्ट है ट्रेनिंग बटालियन 3 के पीटी ग्राउंड में किए जाएंगे। उसके बाद आपके फाइनल डॉक्यूमेंट चेकिंग और वेरिफिकेशन होगी। ये सारी कार्रवाई 2 अगस्त से 8 अगस्त तक चलेगी। ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट रिपोर्ट करने हैं सुबह 4:30 बजे रोजाना, और उनका PFT PMT होगा 0600 आवर्स पर सुबह। उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को कोई भी वो नहीं है, परमिशन नहीं है, और डॉक्यूमेंट अपने सब उधर ही दिखाना है, उसके बाद मान्य नहीं होगा। जो भी मेडिकल है वो आपका 9 अगस्त से शुरू होगा और आगे तक चलेगा, और मेडिकल तभी होगा जब PFT और PMT में आप फिट हो गए हैं। उसके बाद इशू ऑफ एडमिट कार्ड 30 अक्टूबर 2021 को किए जाएंगे, और आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम वो 31 अक्टूबर 2021 को होगा। इस प्रकार से भर्ती की जाएगी, और ये जो भर्ती है ट्रेनिंग बटालियन 3 MS नागर गेट MEG सेंटर बेंगलोर को 2 अगस्त 2021 को सुबह 4:30 बजे शुरू होगी, और वहाँ पर आपको जो लेकर जाने वो सभी डॉक्यूमेंट इस PDF में आप देख सकते हैं। जिस भाई को भी समझ में नहीं आया वो हमें WhatsApp कर सकता है, मैं उसको सारी डिटेल बता दूंगा। और इसके लिए एज कट ऑफ जो बताई गई, सोल्जर GD के लिए 17.5 से 21 साल, सोल्जर टेक्निकल के लिए और ट्रेडमैन के लिए 17.5 से 23 साल। GD के लिए जो एज कट ऑफ है वो 1 अक्टूबर 2000 से पहले का नहीं हो, और 1 अप्रैल 2004 के बाद का नहीं हो GD के लिए। और जो सोल्जर ट्रेडमैन और टेक्निकल के लिए है वो 1 अक्टूबर 1998 से पहले का नहीं हो, और 1 अप्रैल 2004 के बाद का नहीं हो। इस प्रकार से आपकी एज कट ऑफ बताई गई है। इसके अंदर भर्ती के अंदर जो भी भाई जा रहे हैं वो अपने इसमें सारे रूल रेगुलेशन बता रखे हैं, किसको प्रोटी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, क्या लेकर जाना है, और ट्रेडमैन की तो वैकेंसी भी बता रखी इन्होंने, टोटल 24 वैकेंसी हैं। उसके अंदर ट्रेडमैन दोनों कैटेगरी के हैं, 10वीं पास और 8वीं पास के लिए, और इसमें बता रखा है कि 8वीं पास जो ट्रेडमैन किसमें भर्ती देख सकता है, 10वीं पास किसमें देख सकता है, और हर जोन के लिए, जो रीजन के लिए, उसके हाइट वेट चेस्ट का शेड्यूल बता रखा है, किसको कौन कितने नंबर मिलते हैं, फादर्स के, सर्टिफिकेट के, स्पोर्ट्स के, NCC के, सभी सारे रूल रेगुलेशन इस PDF में बता रखे हैं। आप ये PDF हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, जिससे नहीं हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमें WhatsApp करें, हमारे नंबर पर हम भेज देंगे उसको, और भर्ती में जाएँ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।